हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और मैं आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताने की कोशिश करूँगा। स्वागत है आपका हमारा चैनल पे जिसका नाम है कॉग्निशन। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करेंट एंड ओम्स लॉ। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट की बहुत बेसिक सा चीज़ है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर लोगों को ये आता भी होगा, लेकिन जो बेसिक आइडिया था इस चैनल का वो ये है कि बहुत अच्छे लेवल तक इसको ले जाया जाए, लेकिन शुरुआत एक बेसिक लेवल से किया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? बहुत ही इजी चीज़ है, लगभग सब लोग को आता होगा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगहों पे इसका बहुत अच्छा अच्छा डेफिनेशन भी है, लेकिन मुझे जो सबसे सिंपल लगता है वो ये है, इट इज़ जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इस कर्सर के द्वारा, कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ये बहुत बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो दूसरा टॉपिक हमारा ओम्स लॉ। लेकिन ओम्स लॉ समझने से पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, जो उनके जो तीन बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, पहला है इलेक्ट्रिक करंट जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, तीसरा होता है रेजिस्टेंस। ठीक, ओम्स लॉ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए भी है क्योंकि इसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऐड होते हैं। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, या फिर इसे इम्पिटेंस भी बोलते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के बीच में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है जिसे समझना इम्पॉर्टेंट है। एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, इट इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। मींस जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव साइड में इस साइड से है और नेगेटिव साइड, मतलब एक सर्किट कंप्लीट है एक बैटरी के द्वारा। ठीक, अब जैसा इस डायग्राम में दिखा रहा है, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव साइड है और लो पोटेंशियल नेगेटिव साइड है। ठीक, तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वोल्टेज का फ्लो होता है। ठीक है, एक और डायग्राम है, जैसे जैसे ये यहाँ पे नल है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है। ठीक है, बस उस चीज़ को दिखाने का एक दूसरा तरीका है। ठीक, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये कुछ नहीं सिर्फ डिफरेंस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग वोल्टेज की, वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, जो आप मशीन वगैरह में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। ठीक, सॉरी, ये होता क्या है, ऑल्सो कॉल्ड EMF इज द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट्स पावर सोर्स दैट पुशेस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो वोल्टेज है ये एक तरह का पावर प्रोवाइड करता है, एक तरह का पुश प्रोवाइड करता है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस, प्लेस दैट मीन्स इन अ सर्किट। ठीक, मीन्स जो EMF होता है या फिर जो वोल्टेज होता है वो एक तरह का एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक तरह का पुश प्रोवाइड करता है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और वो जो पुश होता है वो प्रोवाइड किया जाता है एक बैटरी के द्वारा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पावर सोर्स, जो सर्किट में पावर सोर्स होगा उसके द्वारा जो पुश प्रोवाइड किया जाता है उसे वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया हम लोगों ने वोल्टेज देख लिया। तीसरा बात करते हैं, जो एक और पैरामीटर है वो है रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस एक, अगर इसकी डेफिनेशन वाइज देखी जाए तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। मीन्स कोई भी एक कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर के अंदर एक खुद का उसका एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक तरह का प्रॉपर्टी है, रजिस्टर एक डिवाइस होता है, एक मटेरियल होता है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, जैसा यहाँ पे एक फॉर्मूला है,
रेजिस्टेंस का काफ़ी फेमस फार्मूला आर इज कॉल्स टू रो एल बाई ए, जहाँ की रो रेजिस्टिविटी को शो करता है, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एल होता है लेंथ, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इसी रिलेशन से हम लोग देखा जाए तो बहुत बड़ा एक सिंपल रिलेशन निकलता है, वो ये है रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे उसके कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। मींस जैसा जैसा क्रॉस सेक्शन एरिया उसका घटता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अब ये चीज़ हुआ। अब बात करते हैं हम लोग ओम्स लॉ, क्योंकि मैंने बोला था ओम्स लॉ समझने के लिए तीनों पैरामीटर समझना बहुत ज़रूरी है। तीन पैरामीटर है, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ को अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो ये होता है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, सिर्फ अगर यहीं तक देखा जाए फिलहाल तो ये कहना चाह रहा है कुछ वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को रिलेशन मालूम है वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर होता है, लेकिन उसकी जो आर की वैल्यू होती है ना वो डिपेंड करती है एक पैरामीटर पे जिसे बोलते हैं टेम्परेचर। मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो डिपेंडेबल होती है, डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जैसा इस डेफिनेशन में दिया हुआ है कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर की बात की जा रही है। मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग कंडक्टर की जो टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर डज नॉट चेंज। ओम्स लॉ की अगर बात की जाए तो जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू आई आर, अगर इसे अलग अलग फॉर्म्स में देखा जाए, जैसे हम लोग को वी निकालना हो तो हम लोग आई इंटू आर करते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई निकालना हो तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, अब अगर वी इक्वल्स टू आई है या फिर ओम्स लॉ को एक डायग्राम के थ्रू या फिर एक पिक्चर के थ्रू समझा जाए क्या होता है, तो वो एक डायग्राम शायद आपको क्लियर समझा पाए, क्योंकि इस डायग्राम में आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है या फिर वोल्टेज नाम का एक कोई यूनिट रखा हुआ है, और एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसपे करंट लिखा हुआ है। ठीक, मीन्स एक वोल्टेज है जो करंट को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, उसे पुश कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस नाम का दो और पैरामीटर्स है यहाँ पे जो कि उस करंट को दबाने की कोशिश कर रहा है। मतलब हम ये समझ सकते हैं वोल्टेज एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है करंट को फ्लो करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस जो होता है उस करंट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ये जो ब्लॉकेज की उसकी टेंडेंसी होती है ये पूरी तरह से डिपेंड करती है कि हम लोग किस टाइप का कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंडक्टर की टेम्परेचर कोफिशियंट अलग होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग होता है, इसलिए उसका टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी अलग होता है। ठीक है, अब शायद आप लोग को वी इक्वल्स टू आई आर या फिर ओम्स लॉ ज़्यादा अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ के पाई चार्ट की। ये पाई चार्ट असल में तीन चार अलग अलग पैरामीटर्स के फॉर्मूलाज को बताता है। जैसे हम लोग को अगर करंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग पावर के फॉर्म में एक पी इक्वल्स पी अपॉन वी भी कर सकते हैं, रूट अंडर आई अपॉन आर भी कर सकते हैं, और जो ओम्स लॉ के थ्रू वी अपॉन आर भी कर सकते हैं। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी हो, पावर की वैल्यू निकालनी हो, तो अलग अलग तरीके से इसका फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो ओम्स लॉ के अलग अलग पाई चार्ट में जो भी फॉर्मूले दिए हुए हैं इनका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। जैसे ये पाई चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। तो फ्रेंड्स, ये आज का पहला वीडियो है हम लोगों का, होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए, क्या कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आप लोग चाहते हो कि हम लोग बनाएं। सो इसके लिए थैंक यू।